बाबा बाबा शांत हो जाओ, बाबा शांत हो जाओ। अध्यक्ष महोदय आपका आदेश था तो बस ये दिल दिया है, जहां भी देंगे है वतन तेरे लिए। आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कोटि कोटि नमन, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि आज ऐतिहासिक दिन में आपने मुझे बोलने का अवसर मिला और आपके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से ये ऐसा अद्भुत अद्भुत बिल पास हो रहा है ना कि एकदम बुझी हरा होकर कहला ना गद गदा गई बात। अनआर्म कॉम्बैट एक है जो मेरे मन में बड़ा थॉट था अध्यक्ष जी की, हमारे बच्चों को, मेरी भी बेटियां हैं, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी बेटियां डिफेंस कैसे करेंगे, पापा साथ में नहीं है तो स्कूल कॉलेजेस में या स्कूल में वेरेवर एक ही कंपलसरी हो जाए, जैसे चाइना में है, इसराइल में है, 6 महीने के लिए, और उससे मिलिट्री ट्रेनिंग कहें हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बच्चे हमारे विदेश की यात्रा पर कहीं वहां फंस गए तो डिफेंस कर सके, हेल्थ वाइज उनके लिए अच्छा रहेगा, और अगर कभी आतंकवादी हमला हुआ या हमारे देश पर बाहरी हमला हुआ तो हमारे बच्चे भी इस देश में तैयार रहेंगे, एक राष्ट्रहित की भावना भी हमारे बच्चों में जगेगी, ड्रग से, शराब से, गलत चीजों से भी दूर रहेंगे। 6 महीने की भले एक कंपलसरी ट्रेनिंग हमारे देश में आ जाएगा, और ये आप हैं तो जरूर मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये बहुत अद्भुत सा एक हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा और हमारे देश में एक राष्ट्रहित की भावना जागेगी। धन्यवाद श्री बीबी। आ रहे थे और बच्चे कहीं फंस गए थे, इन्होंने बच्चों को बताया, वो अगर थोड़ा आप भी करें तो ये बहुत अच्छा काम किया। वो नहीं तो समझते हैं भाई एमपी कुछ करते ही नहीं। नहीं रवि किशन जी पूरे समय संसद में रुकते हैं। नहीं वो बच्चों वाला आपको पता है कि नहीं थोड़ा मैं आ रहा था और ये इसलिए कि ये भावना सब में जागे हमारे देश में, आ रहा था और द्वारका में भरपूर बारिश हो रही थी और देखा एक बच्चों की स्कूल की एक छोटी सा उनका रिक्शा लड़का, 3-3, 4-4 साल के बहुत सारे बच्चे थे, हम जैसे कि भावना हमेशा रहती तुरंत उतरे और सारे बच्चों को निकाला बचाया और देश में बड़ा वायरल हुआ, पूरे देश ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। धन्यवाद श्री बी पाटिल जी।